हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपकी नज़र में इससे क्या फ़ायदा है नुकसान है? मैं मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक का बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ। उसका कारण क्या कि अगर आपके पास आधा घंटा उपलब्ध है या एक घंटा उपलब्ध है जो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खर्च करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक मत करें, आप घर के अंदर योगासन और प्राणायाम करें। मैं ऐसा कहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक के साथ में यहाँ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। एक तो ये उत्तर भारत की जलवायु इस प्रकार की है कि जब ठंड पड़ती है तो बहुत ही ठंड पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है बहुत ही गर्मी पड़ती है, बारिश में आप निकल नहीं पाएंगे, ठंड में सूरज देवता उगेंगे नहीं 7 बजे तक, आप कहेंगे 7 बजे से पहले जाओ 6 बजे, बहुत ही ठंड पड़ती है। तो कहने का मतलब ये कि मौसम से इस पे काफ़ी असर पड़ जाता है। और अगर बारिश में एक बार आपका वो क्रम टूटा, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, गए 15 दिन महीना भर, और बारिश की वजह से अगर वो क्रम टूटा तो फिर अगले दिन से आपको फिर आलस आने लगता है। अगले दिन आपका मन ये करता है यार आज नहीं जाते हैं। और फिर अगर वो टूट जाए फिर दोबारा कब आपको याद आए, और फिर मौसम अनुकूल हो या ना हो और तब आप जाते हैं। दूसरी बात, जो एक्टिविटी वॉकिंग में होती है वो ज़्यादातर पैरों की एक्टिविटी होती है। कुछ कुछ लोग हाथों को बड़े ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए वॉक करते हैं तो हाथों की एक्टिविटी भी हो जाती है, लेकिन सब तरह की मसल्स जो शरीर में हैं और सब तरह की हड्डियां जो शरीर में हैं उन्हें चालना नहीं मिलती सिर्फ वॉकिंग करने से। जब हम आसन करते हैं, हम आपको ये बताते हैं, आसनों में पैरों की मसल्स को पुष्ट करने वाले आसन हैं, रीढ़ की हड्डी को पुष्ट करने वाले आसन हैं, हाथों के, कंधों की, भुजाओं की, और इवन जो छोटी छोटी उंगलियों को चलाने वाली मसल्स हैं उन्हें पुष्ट करने वाले भी आसन हैं। हमने योग आसनों की जो 30 आसनों की एक सीरीज़ बनाई हुई है उसमें इसका ध्यान रखा है कि पैरों के, रीढ़ की हड्डी के, हाथों के, कंधों के, गर्दन के, सबके स्नायु मजबूत हों, ऐसे वो आसन हैं। और अगर आप रोज़ 30 के 30 आसन भी करने लगें तो आपका शायद 1 घंटा ही खर्च होगा। जिस 1 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते थे उतने में आप आसानी से सारे के सारे आसन प्रतिदिन कर सकते हैं। जिसके पास समय कम है हम उनसे कहते हैं आप आधे आसन आज करिए, बचे हुए अगले दिन करिए, फिर तीसरे दिन पहले आधे करिए, चौथे दिन बाद के आधे करिए। इस तरह से अगर 15 आसन भी रोज़ आप करने लगें जिसमें आपको 20-30 मिनट खर्च होंगे, आपको मॉर्निंग वॉक से अधिक फ़ायदा मिलेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तीसरी चीज़, मॉर्निंग वॉक से और इवनिंग वॉक से कुछ थकान ज़रूर पैदा होती है, योग आसनों से बिल्कुल थकान पैदा नहीं होती। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप योग आसनों के साथ साथ जब प्राणायाम भी जोड़ देते हैं, जो कि आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के साथ नहीं जोड़ रहे होते हैं, तो उससे आपको एक दोहरा फ़ायदा मिलता है। वो क्या कि प्राणायाम के जरिए जब आप श्वास को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप सांस को इतनी देर भी रोक सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी यानी कि हाइपोक्सिया पैदा कर लें, और जो कार्डियो एक्सरसाइजेज करने के बाद जो हार्ट को और दूसरे शरीर के अंगों को लाभ मिल रहे होते हैं वो सारे के सारे आपको एक बहुत ही छोटे समय में, कम समय में, 3-4 मिनट या 5 मिनट का प्राणायाम और आपको ढेर सारे फ़ायदे वो उपलब्ध कराएगा। इसलिए मैं सभी से ये कहता रहता हूँ कि बजाय मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के आप अपना वो समय घर के अंदर योगासन और प्राणायाम करने में बिताएं तो निश्चित रूप से आपका ज़्यादा फायदा है।